अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्पाइनल कॉर्ड के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आप जानते हैं दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी करेंगे। सो यहाँ पर ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। ब्रेन आपके सर के अंदर, स्कल के अंदर, क्रैनियम रीजन में प्रेजेंट होता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ से स्टार्ट होती है और इन टू द वर्टेब्रल कॉलम यानी जो आपकी बैक बोन है उसके अंदर ये रन कर रही होती है। जो आपकी बैक बोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही होती है, एट द एंड एंड तक जा रही होती है। ओके, सो ये आपकी आ गई स्पाइनल कॉर्ड, रेड कलर में जो आपको नजर आ रही है स्पाइनल कॉर्ड। इसके ऊपर वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है यानी रीढ़ की हड्डी होती है, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर रन कर रही होती है। स्पाइनल कॉर्ड और जो आपका ब्रेन है इससे कुछ नर्व्स निकल रही होती हैं। नर्व्स यानी कलेक्शन ऑफ एक्सॉन और कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन फाइबर्स निकल रहे होते हैं और वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जा रहे होते हैं। पूरी बॉडी यानी कुछ टांगों में जा रहे होंगे, हाथों में, नेक रीजन में, चेस्ट, ट्रंक रीजन, जितना भी रीजन है उसके अंदर कुछ नर्व्स जा रही होंगी, पतली पतली सी रगें सी होंगी जो नर्व इम्पल्स लेकर आ रही होंगी और जा रही होंगी। सो उन नर्व्स का जो कलेक्शन है उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सो आपके नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स, दो पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इनसे निकलने वाली जितनी भी नर्व्स हैं वो शामिल होती हैं। तो आइए देखते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है और उसको प्रोटेक्शन कैसे कैसे मिल रही है। जैसे कि ब्रेन के अंदर हमने स्टडी किया था, तीन तरीके से ब्रेन को प्रोटेक्शन मिल रही होती है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्शन मिल रही होती है, वो कौन सी? स्केलेटन के जरिए, मेनिंजियस लेयर के जरिए, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के जरिए। तो उसी तरीके से जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी तीन तरीके से प्रोटेक्शन मिल रही है। एक तो वर्टेब्रल कॉलम जो कि स्केलेटन है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही है, तो वर्टेब्रल कॉलम हड्डी है तो ये प्रोटेक्शन दे रही है आपकी स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड बड़ा डेलिकेट सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको, इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारे रिफ्लेक्सेस कंट्रोल हो रहे होते हैं। सो पहली प्रोटेक्शन वर्टेब्रल कॉलम से मिलगी, दूसरी प्रोटेक्शन मेनिंजेस से मिलगी। मेनिंजेस, मेनिंजेस क्या होती हैं? लेयर्स होती हैं। सो मेनिंजेस कलेक्शन ऑफ लेयर्स होती हैं, ये बेसिकली तीन लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? पिया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसे ड्यूरा मैटर कहते हैं, उसके अंदर वाली एरेक्नॉइड मैटर, उसके अंदर वाली पिया मैटर। यहाँ पर जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है ये पिया मैटर है, ब्लू कलर में नजर आ रही है ये एरेक्नॉइड मैटर है, और रेड कलर के अंदर ड्यूरा मैटर है। तो इस तरीके से तीन लेयर्स होती हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, इन्हें मेनिंजेस कहा जाता है। ठीक है, इन लेयर्स का काम क्या है? प्रोटेक्शन। और ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द, पूरे स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द लिपटी होती हैं। और तीसरी चीज़ जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। ये फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जो ब्लड से डिफ्यूज़ होके स्पाइनल कॉर्ड या सेरिब्रल आपका जो ब्रेन है उसकी कुछ कैविटीज़ हैं उनके अंदर भरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पिया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर वाली जो लेयर्स हैं उनके दरमियान ये फ्लूइड रन कर रहा होता है। सो इन दोनों लेयर्स के दरमियान जो फ्लूइड है इसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, और ये फ्लूइड भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल शॉक से बचाता है। तो इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन हो रही होती है। आप देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर कैसी है और इसका फंक्शन क्या है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, रेड कलर में रन हो रही है वर्टेब्रल कॉलम के अंदर, इसको हमने कट कर दिया और इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखा। कट किया, फ्लिप कर दिया, सामने ले आए, और इस क्रॉस सेक्शनल व्यू में अब हम इसे देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये राउंड सी है, ठीक है। तो राउंड में यहाँ बाहर आपको कुछ वाइट मैटर, वाइटिश कलर वाला रीजन नजर आएगा, तो ये जो वाइटिश रीजन है इसे वाइट मैटर कहा जाता है। वाइट मैटर क्यों कहा जाता है? कि ये एक्सॉन से मिलकर बना होता है, और आपको पता है एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ होती है, और आपको पता होगा माइलिन शीथ फैट से मिलकर बनी होती है और फैट्स वाइट इन कलर होते हैं, इसलिए आप कहेंगे जो वाइट मैटर है वो एक्सॉन से मिलकर बना होता है। सो इसका ये वाइट मैटर वाला रीजन आपको नजर आएगा, इसमें एक्सॉन्स वगैरह होंगी, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिस इज एक्सॉन, दिस इज एक्सॉन, तो ये एक्सॉन्स से मिलकर बना होता है। सेकेंड, इसके दरम्यान में आपको कुछ रीजन नजर आएगा जो ग्रे मैटर होगा, यानी जो जरा सा ब्लैकिश टाइप का होगा। सॉरी लाइट चली गई है, बट मैं लेक्चर कंटिन्यू रखता हूँ। सो यहाँ पर ये जो आपको ग्रेश टाइप का कलर नज़र आ रहा है, जो रीजन नज़र आ रहा है, इसे ग्रे मैटर कहा जाता है। और ग्रे मैटर सेल बॉडीज से मिलकर बना होता है, जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ होती हैं वो ग्रे मैटर बनाती हैं। सो इसका मतलब ये है कि जिस स्पाइनल कार्ड का जो अंदर वाला बटरफ्लाई वाला रीजन है ये ग्रेश कलर का नज़र आ रहा है, तो ये सेल बॉडीज़ से मिलकर बना होगा। इसमें बहुत सारी सेल बॉडीज़ होंगी और इंटर न्यूरॉन्स होंगी, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स इसके अंदर होंगी।
ओके, सो सेंट्रल रीजन इज कॉल्ड ग्रे मैटर। इसके अलावा यहाँ पर दरम्यान में एक हालो सा रीजन होगा, इसे सेंट्रल कैनाल कहा जाता है। ये अप टू द ब्रेन, यहाँ से दरम्यान से ये ब्रेन तक जा रही होती है, और ब्रेन के अंदर कुछ कैविटीज़ होती हैं जिन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है, उन कैविटीज़ को ये टच कर रहा होता है ये रीजन। ओके, अब ये तो होगी स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर। अब हम जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स निकल रही होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही होती हैं। तो अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो स्पाइनल कॉर्ड का एक डॉर्सल रीजन होता है और एक वेंट्रल रीजन होता है। डॉर्सल जो बैक वाला, जो बैक वाली साइड पर होगा वो डॉर्सल रीजन होगा, और एक रीजन फ्रंट को फेस कर रहा होगा वो वेंट्रल रीजन होगा। तो डॉर्सल रीजन से भी एक न्यूरॉन निकल रही होगी और वेंट्रल रीजन से भी न्यूरॉन्स निकल रही होंगी। एक तो नहीं होंगी, बहुत सारी न्यूरॉन्स निकल रही होंगी दोनों रीजन से। सो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो बटरफ्लाई रीजन है ग्रे मैटर का, उसका एक डॉर्सल हॉर्न है, डॉर्सल हॉर्न इसे कहते हैं, और ये वाला जो स्पेस है, रीजन है, इसे वेंट्रल हॉर्न कहा जाता है। सो डॉर्सल हॉर्न से एक न्यूरॉन आ रही है, आप देख पा रहे हैं न्यूरॉन निकल रही है, और मोस्ट ऑफ द टाइम डॉर्सल हॉर्न से, बल्कि ऑलवेज डॉर्सल हॉर्न से सेंसरी न्यूरॉन निकल रही होती है, और यानी कि सेंसरी न्यूरॉन फॉलो करती है डॉर्सल हॉर्न या डॉर्सल रूट को, जो डॉर्सल साइड पर है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगी, आपके सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल को लेगी और लेकर कहाँ पर आएगी, डॉर्सल हॉर्न यानी डॉर्सल रीजन जो है स्पाइनल कॉर्ड का, वहाँ पर लेकर आएगी। वहाँ से क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी। कैसे प्रोसेस होगी, कि यहाँ पर कुछ इंटर न्यूरॉन होगी, एक सपोज यहाँ पर एक इंटर न्यूरॉन है, ये क्या करेगी, उस सिग्नल को प्रोसेस करके आगे मोटर न्यूरॉन की तरफ भेज देगी, और मोटर न्यूरॉन क्या करेगी, उस सिग्नल को वेंट्रल रूट से, जो सामने वाला रूट है, रीजन है, वहाँ से लेकर जाएगा। सो वेंट्रल एरिया में जितनी भी न्यूरॉन्स निकल रही हैं उसे मोटर न्यूरॉन्स हम कहेंगे, और वो वेंट्रल रूट को फॉलो कर रही होंगी। सो यहाँ से डॉर्सल से इंफॉर्मेशन आ रही है और वेंट्रल से इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है। और स्पाइनल कॉर्ड की जब हम फंक्शन की बात करते हैं, तो सबसे मेन फंक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शंस में इन्वॉल्व होता है। अचानक कोई गर्म चीज़ आपने हाथ लगाया, एकदम से हाथ पीछे खींच लिया, तो ये स्पाइनल कॉर्ड इसे प्रोसेस करके एकदम से आपके हाथ को पीछे खींच देती है। बट साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को भी सिग्नल सेंड कर देती है कि किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया गया है। पहला फंक्शन रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करना। सेकंड फंक्शन ये है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, सेंसरी जो सिग्नल्स हैं उन्हें आपके ब्रेन तक भेजती है। आपके नेक से नीचे नीचे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनसे जो सेंसरी सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो पहले स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड उन सिग्नल्स को फिर ब्रेन की तरफ भेजती है। और तीसरा फंक्शन ये है कि ब्रेन जब वो सिग्नल्स रिसीव कर लेता है, उनके अगेंस्ट जब कोई रिस्पॉन्स देना होता है, सपोज आपके हाथों को मूव करना है, तो वो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से होकर वो रूट जाते हैं आपके हाथों की तरफ, वो इन्फॉर्मेशन जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड इन्फॉर्मेशन को लेकर ब्रेन की तरफ भी आ रही है, और ब्रेन से इन्फॉर्मेशन को लेकर टुवर्ड्स द मसल्स, ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स हर तरफ लेकर जा रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।